आप लोग यहीं रुकिए, पेशेंट का बीपी चेक करो और ट्रीटमेंट की जल्दी तैयारी शुरू कीजिए, जाइए। यस सर। गो। डॉक्टर वीर को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, प्लीज बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। विक्रम, कैसे हुआ ये? वीर का ध्यान कहाँ था? आपकी घटिया और बेहुदा शर्त पर। क्या बोल रहे हो? अगर दोष देना ही है ना तो उस रानी को दो। जब से वो वीर की लाइफ में आई है सब कुछ गलत हो रहा है। हमें ऐसे क्या देख रहे हो? सब गलती उस नौकरानी की है। अब हम उस लड़की को वीर के आसपास भटकने भी नहीं देंगे। मैं जानता हूं कि मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूं। एक मौका चाहिए मुझे, मैं चीजों को ठीक करना चाहता हूं। रानी, क्या हुआ? लग रहा है छोटे गोरसा का फोन। काका, हम कोशिश कर रहे हैं पर कुछ। अरे तू क्या कर रही? The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. क्या हुआ? नहीं लग रहा है। पाजी, हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। हमें उन्हें पता ना है कि हम उन्हें माफ कर दिए। हमें लगता है देवा जूनी बड़े वाले अस्पताल ले गए होंगे। हम अभी जाते हैं उनके पास। पगला गई है क्या? हाँ, इतना दूर चलकर जाएगी तू? रुक, हम कोनो जुगाड़ करते हैं, तू शांति रख। तू समझ नहीं रहा है, हमारा खड़े खड़े पग बर्बाद नहीं कर सकते। हमें उनके पास जाना है बिरजू ने। उन्हें बताना है कि वो हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, कि वो उससे कितना प्रेम करते हैं। जो बताना है उन्हें ठीक होना होगा बिरजू। हम नहीं, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, नहीं रुक सकते। आप लोग यहाँ उस साहब के लिए आए हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था? आपको कुछ पता है काका के बारे में? सुने हैं उनका खून बहुत बह गया था तो उन्हें जयपुर के अस्पताल ले गए हैं। वहाँ ले गए का? जयपुर अस्पताल? हमें जयपुर के लिए निकलना होगा। बात तो सुन तू। अरे नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। एक डॉट पल की दूरी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देरी नहीं कर सकते। रानी, हम सब समझ रहे हैं। रानी, हम सब समझ रहे हैं, तू बस दो मिनट सांस ले। ला फोन दे, मैं बस का पता करते हैं। करते हैं बिटिया, शांति रख, हो जाएगा। जी साहब, काम हो गया है, गलत खबर दे दी है उन लोगों को। जी कैसे बताऊं भाभी साहब को कि हम बलिया के मेडिकल हॉस्पिटल में ये नेटवर्क पत्नी क्यों नहीं आ रहा है? विक्रम, आखिरी बार समझा रहे हैं तुम्हें, ये कोशिश करना छोड़ दो। वो लड़की वीर के आसपास दिखनी नहीं चाहिए। बेहतर होगा तुम ये बात जल्दी समझ लो। ब्रो को कोई ठीक कर सकता है वो तो सिर्फ भाभी सा है। पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगी। आज से आपका हर सपना हमारा होगा। तुम्हें ये फैसला करना ही होगा, चुनना होगा तुम्हें रानी या रानी साहब।
अब आप इस घर की रानी सा है और हम नाम से रानी और औधे से इस घर की बहुरानी। तो सही मायने में देखा जाए तो आप में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है, बराबरी का रिश्ता है हमारा। और आप जो हमारे और डॉक्टर साहब के रिश्ते को बार बार गुमराह करने की कोशिश में जुटी हुई है ना, वो कोशिश को खत्म कर देंगे। भावनाओं में उलझाकर उन्हें जो फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं आप, मजबूरी भी हटा देंगे हम रानी साहब। आज तक जो कुछ भी हुआ वो एक इतिहास बन चुका है, पर अब हम आ गए हैं एक नया भविष्य लिखने। रानी सिंह फ्रॉम बलिया। अपनी औकात भूल गई हो तुम। एक नौकरानी राजेश्वरी सिंह रजावत को बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं रानी साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके औहदे के सामने हमारी इतनी हिम्मत कि हम आपको सही गलत बताएंगे, ऐसा नहीं। परंतु हाँ, कुछ लोगों को और कुछ चीजों को संभालने की जरूरत जरूर है। अगर वो सही हो जाए तो फिर जिंदगी सुधर जाएगी। कहे कि चीजें बिगड़ी भी तो है उन्हीं लोगों के वजह से। रानी साहब, हम यहाँ कौनो बवाल करने नहीं आए हैं, हम तो बस इस घर की खुशियां वापस लाना चाहते, सबका साथ देना चाहते। No. सोचना भी मत कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह है। शायद तुम्हें पता नहीं है, इसलिए हम बता देते हैं, वीर और हमारे बीच में कुछ बात हुई है। याद है ना वीर? ये सब ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें चुनना होगा, रानी या रानी सा। हालात चाहे बदल गए हों, लेकिन हमारी शर्त अभी भी वही है, या तो ये लड़की या फिर हम। आपसे वादा करता हूं, आज से आपका हर सपना हमारा होगा। उसके लिए तो आप थोड़ी देर हो गई है रानी साहब। कहे कि डॉक्टर साहब हमें पहले ही वचन दे चुके, वो अब हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, तो हमें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर क्या हम ये समझ लें कि हमारे ऊपर तुमने इस लड़की को चुना? आपने मेरे लिए किया है रानी साहब, शायद ही किसी और ने किया होगा। आपने मुझे अपनी पहचान दी, अपना नाम दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया,
इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। रानी साहब, आप मेरी जिंदगी में ना रहे और मुझे उससे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं रानी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। घर में खाना भी हम खुद सर्व करेंगे? अब खड़े क्या हो, खाना सर्व करो, भूख लगी है हमें। आज खाना हम परोसेंगे। सुबह से काम करके आप सब थक गए होंगे ना, जाकर आराम कीजिए, हम संभालेंगे, ठीक है? रानी सा, ये लोग हमारी तो नहीं सुनेंगे, आप ही इनसे कह दीजिए ना कि जाकर आराम करें, दिन भर काम करके थक चुके हैं ये लोग, अच्छा रहेगा। एक महीना छूट क्या मिल गई तुम सबको, अपना काम भूल गए? अब मालिक खुद सर्व करेंगे और प्लेट उठाकर खुद रखेंगे, ऐसा होता है इस घर में? रानी साहब, पर हम अब इस घर में सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, जो हम कहते हैं वही होता है, जरा भी कमी हमें बर्दाश्त नहीं है। दादी साहब। राजमाता जी, राजमाता, सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत खुश है हम अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर। भाई ये I'm fine. नहीं भाई, पर ये I'm okay. कैसी हो राजेश्वरी? राजमाता जी, कैसे हो राजेश्वरी? रानी, आपका ये नया रूप हमें बहुत अच्छा लगा, अब आप लग रही है रजावत खानदान की बहू रानी। वीर बेटा, ये चोट कैसे लगी? दादी साहब, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग बड़े दूर से आए हैं, थक गए होंगे, आइए थोड़ा खाना खा लीजिए। अरे, इन सबके चेहरे इतने लटके हुए ऐसे क्यों हैं? राजेश्वरी, आपने इन लोगों को डांट तो नहीं दिया? बहुत दिन की छूट मिल गई इन्हें, इसलिए अपना काम भूल गए थे। बहुत छोटी सी बात है राजमाता जी, प्यार से भी माफ किया जा सकता है। वैसे इतने दिनों बाद सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, तो हम सोचे कि खाना हम ही परोसेंगे, आखिर रजावत परिवार की बहुरानी जो है। बिल्कुल,
घर की बहुरानी के हाथ से परोसा हुआ खाना और भी स्वादिष्ट लगेगा। आप लोग जा सकते हैं, आराम कीजिए, कल मिलते हैं। आइए आप सब बैठिए, हम परोस देते हैं। आप सब खाइए, हमारी भूख मर गई है। ओह, तो इस बार अब कॉलेज में बहनजियों के भी दर्शन होने लगे। बहन जी, आप रास्ता भूल गई है क्या? यहाँ क्या कर रही हैं आप? कितने अच्छे लोग हैं, पहले दिन ही बहन बहन करके स्वागत कर रहे हैं। हम इंजीनियर बनने आए हैं भैया जी, अब जब आप हमें इतना सम्मान दे ही रहे हैं, आपने जब हमें बहन माना ही है तो आप भी हमारे भाई ही हुए ना। अब एक किलास कहाँ है, हम कब से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। दिखाओ इसे। यहाँ से सीधा जाइए, जो थर्ड लेफ्ट आएगा ना वही आपकी क्लास है। थैंक यू भैया जी, अब हम जल्दी जल्दी आते हैं वरना पहला सीट कोई और दबा लेगा। हाँ जल्दी जाइए। थैंक यू। चल 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 चल। तीसरा लेफ्ट बोले थे। मजाक कर रहे थे ना हमारे संग। बलिया में पिंकुआ भी ऐसे ही करता है हमारे संग। पिंकुआ? लेकिन हम पढ़े लिखे समझदार हैं। ये देखकर समझ गए कि ये हमारा क्लास नहीं, शौचालय है। ओ अच्छा, तो आपको इंग्लिश भी आती है? बिल्कुल आती है। पूछो जरा वो। हाँ अच्छा अच्छा बहन जी, तो फिर चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। लिखा शब्द है। अरे ये शब्द नहीं है, पूरा देश है, आप नहीं जानते? अरे जानते हैं ना, ऐसे कैसे नहीं जानते। एक मिनट बताते हैं। चेको सी हेच हेच ई सी। कम ऑन बेंजी, बेंजी कम ऑन बेंजी, कम ऑन बेंजी। अरे क्लास तो बताते हुए जाइए, कहाँ हुआ? भगा दिए ना हमारे दोस्तों को। अच्छा, आप जैसे लोगों के बारे में सुने हैं हम, सारे कॉलेज को डरा धमका कर रखते हैं ना आप, और हमारे संग ई चिरकुटा ही नहीं चलेगी, बूझे? वैसे कद काठी और शकल की छुरिया देखकर तो लगता है कि कम से कम 5 साल फेल हुए हैं। पढ़ाई पर ध्यान काहे नहीं लगाते? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। एग्जैक्टली सर। ये क्या करती रानी, पढ़ाने वाले को ही पढ़ने की सलाह दे डाली। माफी चाहते हैं सर जी, हमें समझ में ही नहीं आया वो। नहीं, पता नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप घबराइए मत, आप रानी है ना, स्कॉलर स्टूडेंट जी, दूसरे नंबर पर आए थे, टाइम ज्यादा नहीं था ना इसीलिए, पर डॉक्टर साहब की मदद से बस, हम बस अभी क्लास के लिए जाइए वरना लेट हो जाएंगी, और वैसे क्लास वहाँ से राइट। ठीक है, थैंक यू। और हाँ रानी,
यहाँ पर लोग आपको बहन जी कहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी इज्जत कर रहे हैं, मश्करी कर रहे हैं आपके साथ, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कौन? वो हमारे दोस्त? गुड लक। हम भी बेवकूफ बुड़बक हैं। वो हमारा मजाक उड़ाते रहे और हम उन्हें अपना दोस्त समझते रहे। जब बेटा पराया हो जाए तब पराया बेटा बन जाता है। पराए तो आप भी, फिर भी मॉम है। इस घर ने आपको अपना है, तो फिर जैसे इतनी प्रॉब्लम क्यों? उन्हें एक मौका क्यों नहीं मिल सकता भाई? रानी साहब हमसे नाराज है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए ना। नंदिनी को क्यों? बड़े भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, और यहां मेरी वजह से नंदिनी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है रानी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये संकट हमारे सामने पहले भी आ चुका है। नंदिनी दीदी और वो चिरकुट का ब्याह हम पहले भी रोक चुके हैं। क्या हुआ अगर वो बुड़बक जयराजा बाबू फिर से हाथ पैर मार रहा है तो? इस बार भी रोक देंगे हम। वैसे भी आप और हम दोनों जानते हैं कि इस परिवार के बाकी सदस्य भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। भले ही सगाई में शामिल हुए थे पर जरूरत पड़ने पर वो हमारा ही साथ देंगे। आप सही कह रही हैं रानी, हमें अभी जाकर दादी साहब और पापा से बात करनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए। हॉस्पिटल से फोन है, एक सेकेंड। यस टेल मी। व्हाट? वो ऐसा नहीं कर सकते। आप उन्हें रोकिए, मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जिस पेशेंट के बारे में बताया था मैंने आपको, 2017 जी, जिनके अंडर वो एडमिट है, उन डॉक्टर्स ने डिसाइड किया है कि उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है, अब आप अस्पताल जाइए, यहाँ हम है ना, हम संभाल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। माता जी, जब हमारे गांव में किसी लड़की का ब्याह होता है ना, तो उनके घर वाले लड़के वालों का क्या रुतबा है, वो कितना पैसा कमाता है, वो सब नहीं देखते, बस उनका स्वभाव देखते हैं। छोटी सी जगह है ना, तो बस यही चाहते हैं कि ब्याह के बाद अपनी लाडली हमेशा खुश रहे। आप अपनी बिटिया के लिए काहे नहीं खड़े हुए? आपको याद नहीं उसने कहा कहा करतूत किए हैं? से पहले उसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की, हमें किडनैप करवाया, जुए का पैसा भरने के लिए नंदिनी दीदी को फुसलाकर उनसे पैसे लिए, हमारे ऊपर हाथ उठाया, यहाँ तक कि नंदिनी दीदी को जुए के दाव में लगा दिया। वो इंसान लायक नहीं है नंदिनी दीदी के लिए। राजेश्वरी कब क्या सोचती है किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मगर अब मिलेगा। हम चाहे तो साथ मिलकर अपनी घर की बिटिया को उस लक्कड़ बग्गे से बचा सकते हैं, उसका शिकार होने से रोक सकते हैं। आपको बस एक बार रानीसा से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि ये गलत है। और कौन समझाएगा हमें सही गलत का फर्क?
घर में इतना खुशी का माहौल है और आप सब मुरझाए हुए हैं। जो अरमान वीर की शादी में पूरे नहीं हुए थे वो अब करेंगे हम। नंदिनी की शादी पूरे धूमधाम के साथ करेंगे और रीति रिवाजों के साथ। लेकिन रानी सही रिश्ता गलत सही है। हम मानते हैं कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, इस परिवार के लिए किया, तुम्हारी वजह से किया। अगर हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए जैसे कि तुम्हें मिला था रानी, तो उन्हें क्यों नहीं? ग्वालियर के बहुत बड़े खानदान से हैं वो, बराबरी का रिश्ता है। तो ये बातें कर सबको कंफ्यूज मत करो। अभी ढंग से कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ है और ये असाइनमेंट देने बुला रहे हैं। तू बड़ा असाइनमेंट बनाने वाला है। पर हम तो तीन हैं, तो असाइनमेंट में हमारा चौथा पार्टनर कौन होगा? ओए बहन जी, अपने सपने मत सोचना कि हम तुम्हारे पार्टनर बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 सर। सो सोचा कुछ असाइनमेंट के बारे में? व्हाट? किसी ने भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की? Yes, Sunny? सर गोबर। Excuse me? गोबर सोचा है सर। What? माने गोबर गैस प्लांट होता है ना वो। अब शहरों का ऐसा है कि दूध का इस सप्लाई या तो गांव से आता है या तो इक्का दुक्का आसपास का कोनो गौशाला है वहां से आ जाता है। अब उस गौशाला में जो गोबर इकट्ठा होता है अगर ऊ का संरक्षण और सही इस्तेमाल किया जाए तो बिजली की उत्पत्ति की जा सकती है और उसी बिजली से सारा गौशाला चल सकता है, माने टोटल आत्मनिर्भर। अब इससे फायदा होगा गौशाले के मालिक का, गौ माता का, सरकार का और प्रकृति का भी। वंडरफुल रानी, दिस इज ग्रेट। कुछ सीख रहे हो इससे? तुम लोगों के बाद में कॉलेज में आई और दिमाग देखो उसका। तुम तीनों इनकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप इन्हें बोलिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? सब लोग मिलके काम करेंगे एक टीम की तरह। ओके? जी सर। आप लोग इस स्ट्रेस से आए नहीं, हम सब साथ में मिलकर कर लेंगे। हमने सारा डायग्राम बना दिया है और सारा जानकारी भी इकट्ठा कर दी है, अब साथ में मिलकर कर लेंगे। अरे ओ बहन जी, टीचरों का तो काम ही होता है डांटना, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनते रह जाएंगे। और ये अपना गोबर प्रोजेक्ट ना अपने पास ही रखो, समझी? बढ़िया आई। भाभी सा कहीं नजर नहीं आ रही है। क-
कहीं अभी भी हमसे नाराज तो नहीं? Not at all. शायद अपने रूम में होगी, हम बुलवा लेते हैं. मीरा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम खुद उन्हें बुला कर लाना चाहते हैं. जय, Are you sure? हाँ, मतलब अब हम उम्र में बड़े हैं तो पहल भी हमें करनी चाहिए, राइट? इसे कहते हैं रॉयल ब्लड. देखिए ना, हमारी बहू ने इनके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन इसे कहते हैं अपनी क्लास मेंटेन करना. प्राउड ऑफ यू प्रिंस जय. Excuse me.